हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रेनुदा किचन चैनल पे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं खट्टी मीठी कद्दू की सब्जी। और अगर आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्यों आगे भी आप सभी को मेरे चैनल पे अच्छी रेसिपी देखने को मिलेगी। और बेल आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा। तो हमने कद्दू ले लिया है, 1 किलो कद्दू है। इसको मैंने छील के इस पीसों में काट लिया है। कद्दूओं को मैंने पानी में डाल दिया है, इसे अच्छे से धुल जाए ये। मैंने कढ़ाई रख ली है, अब इसमें थोड़ा सा हम तेल डालेंगे। कद्दू की सब्जी खट्टी मीठी बना रहे हैं हम। ये मेथी दाना डाल रही हूँ मैं, कद्दू की सब्जी में हमेशा मेथी दाना डालता है। मेथी दाने को थोड़ा कड़कने देंगे। ये हरी मिर्ची है जो मैंने चॉप करके रखी हुई थी पहले से। अब इसमें कद्दू डाल दूंगी। कद्दू की सब्जी खाने में काफी टेस्टी लगती है। अब इसको हम चला लेंगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसको हम चला लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसको हम ढक के थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए इसको चलाएंगे हम। अब इसमें हम अपने मसाले डालेंगे। हमने मसाले पहले नहीं डाले थे। 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसको हम मिला लेंगे। हमने नमक डाल के कद्दू को थोड़ा सा पहले पकने दिया था, उसके बाद हम मसाले डाले हैं हमने। अब इसको ढक के थोड़ी देर और पकने देंगे हम। देखिए अब कद्दू को हम चलाएंगे। कद्दू हमारा पक चुका है। अब इसमें हम थोड़ी सी शक्कर डालेंगे मिठास के लिए। खट्टा मीठा कद्दू बना रहे हैं। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। ये देखिए इस तरीके का हमारा खट्टा मीठा कद्दू बनके तैयार है। देखिए अगर आप सभी को मेरी ये कद्दू की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर जरूर करें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। धन्यवाद।